So, back to cricket now. Is over to Ajay Gharat. धन्यवाद सिद्दीक भावे. तो ये प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबला एमएलए ट्रॉफी 2018 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है. समायरा स्पोर्ट्स बनाम बी इंडियन. टॉस जीता है बी इंडियन के कैप्टन यासिर शेख ने और पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है. दोनों भी ओपनर्स बीच मैदान में नजर आते हुए. समायरा स्पोर्ट्स की ओर से सुखदेव और कैप्टन दिलीप पाटिल. गेंदबाजी की शुरुआत करने जा रहे हैं उजैर. उजैर जो कि बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज है, काफ़ी अनुभव है और लगातार अच्छी गेंदबाजी करते आ रहे हैं पिछले कुछ सालों से बी इंडियन के लिए. मैच की पहली गेंद खेलना चाहते थे सुखदेव वहां पर स्कोर ऑफ द विकेट, लेकिन बीट हुए, पैर चले नहीं, केवल बल्ला फेंक दिया था. किस्मत अच्छी है कि किनारा लगा नहीं, अथवा विकेट कीपर काफ़ी सतर्क है मतीन और पीछे फ्लाई स्लिप की दिशा में भी फील्डर है. शॉर्ट थर्ड मैन के जो खिलाड़ी है काफ़ी फाइन है, मुनाफ है वहाँ पर. एक वाइडिश गली, इस बार किनारा लगा और आउट. शून्य का चश्मा पहनकर सुखदेव पवेलियन में लौटते हुए. बहुत बड़ी विकेट. सुखदेव ने पिछले मैच में 5 गेंदों पे 5 सिक्सर लगाए थे. ये देखिए दूर से खेला, मोटा सिरा और आउट हो गए सुखदेव. जी हाँ, 5 गेंदों में 5 छक्के जरूर जड़े थे, लेकिन उस बॉलिंग आक्रमण में और बी इंडियन की बॉलिंग में काफी अंतर है. उजैर को अच्छी तरह से पता था कि ऑन साइड में खेलना ज्यादा पसंद करते हैं सुखदेव, उस वजह से उन्होंने पहली ही गेंद से ऑफ स्टंप के काफी बाहर आक्रमण रखा और थोड़ा सा मूवमेंट उनको तो मिलता ही है हमेशा. इस समय जय मात्रे और राज मात्रे ने एमएलए ट्रॉफी को हार्दिक शुभकामनाएं दी है. यह सबीब टेक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड के अभी अंसारी ने भी इस वक्त रुपेश मात्रे, संजय मात्रे और महिंद्रा स्पोर्ट्स के लिए मुबारकबाद दिए. अभी अंसारी आपका इस्तकबाल है. तो शून्य पर एक. इस समय समायरा स्पोर्ट्स ने बैट्समैन मैदान में आते हुए अनंता किणी. अब अनंता के कंधों पर जिम्मेदारी काफी बढ़ गई है क्योंकि बिना कोई रन बनाए ही आउट हो गए हैं सुखदेव. तो सूझबूझ भरी बल्लेबाजी करनी पड़ेगी. बी इंडियन एक बहुत ही बेहतरीन टीम है. समायरा स्पोर्ट्स भी हालांकि एक बड़ा नाम है सिटी क्रिकेट का और अच्छा क्रिकेट खेला है उन्होंने इस एमएलए ट्रॉफी में. अनंता के लिए भी वही फील्ड प्लेसमेंट जो सुखदेव के लिए था. कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है कि लेग स्टंप का गार्ड ले रहे हैं. ऑफ साइड में हम देखें तो दो सर्कल के अंदर खिलाड़ी है बैकवर्ड ऑफ द पॉइंट और इन फ्रंट ऑफ स्क्वायर देखें तो एक खिलाड़ी बाउंड्री पर है डिप कवर और एक लॉन्ग ऑफ. बेहतरीन गेंद, बहुत ही खूबसूरत गेंद, पूरी तरह से बीट किया अनंता को. उजैर जब गेंदबाजी करते हैं सिद्दीक बाबे ऐसे लगता है कि मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट हो रहा है, जिस तरह से उनकी गेंद गिरती है फिर थोड़ा सा मूवमेंट लेती है. इट हैज बीन अ वंडरफुल डिलीवरी फ्रॉम उजैर इन अ बाली ट्रॉफी. बॉल एक्सलेंट इन मेगा फिनाले. इस बार स्लॉग स्वीप की कोशिश, देखना है बैट से है या नहीं. गली में फील्ड किया गया और पहला रन लेग बाई के रूप में आता हुआ समायरा स्पोर्ट्स के लिए. थोड़ा सा बॉलिंग रनअप शायद उजैर ने कम कर दिया है, लेकिन वही रफ्तार है, वही मूवमेंट उनकी बॉलिंग में नजर आता है. कितना भी फ्लैट विकेट हो वहां पर गेंदों को स्विंग कराते हैं. इस बार बैट का हल्का सा फेस खुला है, बैकवर्ड ऑफ द पॉइंट खेला, एक रन कैप्टन दिलीप पाटिल का खाता खुलता हुआ और बल्ले से आने वाला यह पहला रन समायरा स्पोर्ट्स के लिए. रन संख्या 2, 1 विकेट के नुकसान पर. टेमगरपाड़ा के सम्मान्य गणपत शेठ जोशी, इन्होंने भी एमएलए ट्रॉफी को हार्दिक शुभकामनाएं दी है. एक और अच्छी गेंद. अनंता अपना ट्रेडमार्क खेलना चाहते थे. पहली गेंद पर भी उन्होंने, इससे पहले जो गेंद खेली थी उस पर भी स्लॉग स्वीप लगाने की कोशिश की थी, उसमें भी कामयाबी नहीं मिली और इस बार भी नहीं. सफल ओवर की समाप्ति, 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर. Yes, I think this is the excellent overturn from Uzair, who given me 2 runs and claim the very important wicket of Sukhdev. धन्यवाद कमेंट बॉक्स. आई एक्यूरा संघातील
रुपेश यांनी षटकारांची हॅट्रिक ठोकली होती त्याबद्दल त्याला 500 रुपयाचं बक्षीस आपण व्यासपीठावर देतोय. मी त्याला विनंती करतो आपण पुढे जायचंय. त्यानंतर गोलंदाज यांनी हॅट्रिक केली होती हरेश याला विनंती करतोय आपण पुढे जायचंय. त्याला हे 500 रुपयाचं बक्षीस द्यायचंय सचिन तर यांच्या बाध्यापूर आहे. समरिया स्पोर्ट यासाठी सुभाष जाधव अमनेपाडा ग्रामपंचायतीचे विद्यमान सदस्य सुभाष जाधव साहेबांनी शुभेच्छा दिलेल्या आहेत. खास करून समर स्पोर्ट आणि आमदार चषक 2018 साठी धन्यवाद. ओ टू कॉमेडी बॉक्स. तो मात्र 2 रन पहले ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर नया ओवर लेकर रकीब स्वर्गीय श्याम नाई के एंड से. इस बार बॉलर के सिर के ऊपर से खेला है. अच्छी टाइमिंग लेकिन उतनी ही बढ़िया फील्डिंग. वहां पर सिर्फ 1 रन से संतुष्ट करना पड़ा कैप्टन दिलीप पाटिल को. एक पर्टिकुलर टारगेट लेकर चलना होगा यहाँ से बल्लेबाजों को. एक ऐसा टारगेट लेकर चलना होगा जिस तक पहुंच भी सकते हैं. मतलब पहले वो एक लक्ष्य होना चाहिए और वहां तक पहुंचते हैं तो उससे ज्यादा भी बनाने की कोशिश होनी चाहिए. बोल्ड अराउंड द लेग्स. गलत स्ट्रोक का चयन. काफी ज्यादा क्रॉस चले गए थे और उसका फायदा उठाया गेंदबाज रकीब ने. हालांकि दो टीमों के बीच में जो मुकाबला हुआ था सेमीफाइनल में फेमस ट्रॉफी में, जहां पर बहुत ही क्लोज मैच में मुकाबला हारी थी. ये देखिए बिल्कुल लेग स्टंप की सीध में गेंद टप्पा खाती हुई और रफ्तार में चकमा खा गए है अनंता. अनंता जिस तरह बल्लेबाजी कर रहे थे लग रहा था कि वो चले जाएंगे. पिछले मैच में भी खाता नहीं खोल पाए थे और इस मैच में भी खाता नहीं खोल पाए अनंता. पहले मैच में मैन ऑफ द मैच बने थे जरूर. 3 रन 2 विकेटों के नुकसान पर. आप देख रहे हैं क्रिकेट के रंग महिंद्रा स्पोर्ट्स के संग पहला प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबला समारा बनाम बिंडियन. नए बैट्समैन आए हैं हरीश ठाकरे. एक और दाहिने हाथ के बल्लेबाज रकीब पर लगातार बिल्कुल वो जो बॉलिंग एक्शन उन्होंने पहले से अपना शुरू किया है वही बॉलिंग एक्शन है जहीर खान की तरह. छोटी बैकलिप का उपयोग किया ऑन साइड में मोड़ दिया है 1 रन के लिए. धनेश शेलेवन के कैप्टन और बालाजी स्पोर्ट्स के कैप्टन आप दोनों को ऑफिशियल कॉल दिया जा रहा है टॉस के लिए तैयार रहना है. धनेश शेलेवन के कैप्टन और बालाजी स्पोर्ट्स के कैप्टन. नक्कीच मित्रांनो थोड्याच वेळात आपल्यामध्ये भारतीय क्रिकेट संघातील माजी क्रिकेटर टेस्ट मधील बेस्ट क्रिकेटर एबी कुर्विला यांचं थोड्याच वेळात आगमन होत आहे अंदाज चषक 2018 मध्ये. इस बार लगभग चॉप शॉट की तरह खेला है डीप कवर में सिंगल फिर से. तो यहां पर अब मरम्मत करनी पड़ेगी बल्लेबाजों को. 2 विकेटों का काफी जल्दी नुकसान हुआ है. सुखदेव और अनंता केनी आउट हो चुके हैं 5/2 इस समय समेरा स्पोर्ट्स. तो एबी कुर्विला यहाँ पर पहुंचने वाले हैं भारत के पूर्व क्रिकेटर जिन्होंने 25 वनडे खेले और 10 टेस्ट भी खेले थे. मिस टाइम कर बैठे अपने शॉट को और आउटफील्ड में वहां पर हसीब है. ये मौका था फुल टॉस गेंद कमजोर गेंद मिली थी बड़ी देर बाद. ऐसी कमजोर गेंदें मिलेंगी तो फिर उस पर प्रहार तो करने पड़ेंगे उसका फायदा उठाना जरूरी है यहाँ पर. और यदि कमजोर गेंदों पर बड़े स्ट्रोक्स नहीं आते हैं तो फिर एक अच्छा टोटल बनाना काफी मुश्किल भी इंडियन के विरुद्ध. इस बार लॉफ्ट कर दिया है क्या जाएगी मैदान के बाहर. फील्डर देखते ही रह रहे हैं और देखते देखते कैच लिया. शानदार कैच बहुत ही बेहतरीन कैच लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर. हालांकि बल्ले के बीचों बीच लिया था लेकिन एलिवेशन ऊंचाई इतनी ज्यादा थी कि उस वजह से अंतर पार नहीं कर पाए दिलीप पाटिल. ये देखिए और क्या अच्छा कैमरा वर्क है और कितना अच्छा कैच. बाउंड्री के बहुत नजदीक थे फील्डर. बिल्कुल 6 रन 3 विकेटों के नुकसान पर बहुत ही खराब स्थिति में इस वक्त समारा स्पोर्ट. नाजुक स्थिति इस समय समारा स्पोर्ट्स की.
जितने रन बने हैं उससे आधे विकेट्स गिर गए हैं। कैप्टन निराश होकर पवेलियन में लौटते हुए तो दिलीप पाटिल ने बनाए 3 रन। अब लखन पाटिल मैदान में पहुंचते हुए, ज्यादातर हम देख रहे हैं कि समयरा की जो बल्लेबाजी है उसमें बड़े बड़े शॉट्स खेलने वाले ज्यादा बल्लेबाज है। यहां पर परिस्थिति के अनुसार खेलना जरूरी है। ये बात जरूरी है कि थोड़ा सा छोटा ग्राउंड है, बाउंड्री छोटी है और रन्स भी काफी बन रहे हैं इस पिच पर, लेकिन जब विकेट्स गिरते हैं तो थोड़ा सा रुक कर खेलना भी जरूरी हो जाता है। उजेर अपना दूसरा ओवर लेकर ऑफ स्टंप के काफी बाहर की गेंद ऑन साइड में लपेटा है, लॉन्ग ऑन पर यासीर है कैप्टन बी इंडियन के। तो खाता खुलता हुआ लखन पाटिल का, स्कोर अब 7 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। जरा भी ढील नहीं देती है बी इंडियन, एक बार स्थिति उनके नियंत्रण में आ जाए तो फिर विपक्षी टीम के लिए तो और ज्यादा दिक्कतें आगे भी आती है। इस बार शॉट गेंद हुक कर दिया है, फील्डर है वहां पर, एक और अच्छा कैच, इस बार रकीब थे। चौथा झटका लगता हुआ समायरा स्पोर्ट्स को। सिद्दीक भावे स्थिति जो है वो नाजुक से और नाजुक होती जा रही है समायरा स्पोर्ट्स के लिए। यस आई थिंक दिस इज द वर्स्ट परफॉर्मेंस फ्रॉम समायरा स्पोर्ट। 4 back-to-back विकेट, ट्राई टू हुक जस्ट बॉल टॉप एज ऑफ द बैट एंड रोज टू बैकवर्ड ऑफ द स्क्वायर, नाइसली हेल्ड बाय द फील्डर। मुख्य गैरजबल जी एक्टिव बाइक है ती बाजूला पार करायची आहे। थोड्याच वेळात भारतीय क्रिकेट संघातील माजी क्रिकेटर, टेस्ट मधील आणि वनडे मधील बेस्ट क्रिकेटर अभी खुरविले यांचं आगमन होत आहे। गैरजबल तयारायचंय। नए बैट्समैन लंबे ऊंचे कद के बैट्समैन मैदान में पहुंचते हुए साजन और अबे कुरुवेला जो कि भारत के पूर्व क्रिकेटर है वो यहां पर पहुंचने वाले हैं। वो भी अपने लंबे ऊंचे कद के लिए जाने जाते थे, 6 फीट और 5 इंच इतनी उनकी हाइट। और 1997 में जब भारतीय टीम वेस्ट इंडीज में गई थी तो बॉलिंग अटैक को उन्होंने लीड किया था भारतीय टीम के लिए, क्योंकि जवागल श्रीनाथ अनफिट हो गए थे। फिर से अच्छी गेंद है, देखिए आगे रखा था वहां पर, बीट किया उजैर ने। तीसरे ओवर का खेल प्रगति पर, इस बार आउट स्विंगर बहुत ही बेहतरीन गेंद, स्लॉक स्वीप की कोशिश में थे लखन। अब स्लॉक स्वीप यदि उजैर के विरुद्ध खेलना है तो फिर उनके स्विंग के विरुद्ध खेलना पड़ता है बल्लेबाज को। यस, और काफी गेंदे मोमेंट भी हो रही है उजैर की ऑफिस स्टंप पे टिप्पा खाने के बाद। इस बार शॉट थी लेकिन मिस टाइम स्ट्रोक, फील्डर दूर से आते हुए क्यारी नहीं की पूरी तरह से, बाल बाल बच गए लखन। देखिए समायरा स्पोर्ट्स के जितने भी बैट्समैन है वो अपने शॉट को टाइम नहीं कर पा रहे। जी हाँ, गेंदबाजी में धार नजर आ रही है और वो ये जो धार है ये बल्लेबाजों को काट रही है। 2 पर लखन, साजन अब पहली बार सामना करेंगे इस मैच में। हरीश ठाकरे का क्या विकेट प्राप्त किया है, एक प्लानिंग थी उसके तहत उनका विकेट प्राप्त किया गया। इस बार स्विच इट गेंद हवा में है और डीप कवर से फील्डर आते हुए, अच्छी कोशिश थी लेकिन पहुंच नहीं पाए और यहां पर 2 रन आसानी से। तीसरे की कोशिश वेवर थ्रो, 3 रन भी पूरे होते हुए। कैच के लिए दौड़े थे साइबान, उसके बाद दानिश आए गेंद को उठाने के लिए। सटीक थ्रो यदि होता तो शायद तीसरे रन के प्रयास में बैट्समैन थोड़े दिक्कत में आ सकते थे। तो एक और बेहतरीन ओवर की समाप्ति, 3 ओवर्स के बाद मात्र 11 रन 4 विकेटों के नुकसान पर समायरा स्पोर्ट्स। थैंक यू अजय ग्रत, एंड ऑफ द थर्ड ओवर 11 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। दिस इज द पुअर बैटिंग फ्रॉम समायरा स्पोर्ट। यू आर वॉचिंग क्रिकेट के रंग महिंद्रा स्पोर्ट्स के संग MLA ट्रॉफी 2018, लॉट ऑफ गेस्ट ऑन VIP डाइस। नेक्स्ट मैच धनेश कुकसे एंड बालाजी स्पोर्ट, बिग मैच।
तो बॉलिंग में अब चेंज होता हुआ स्वयं कैप्टन यासिर शेख आक्रमण पर आते हुए और इनके बॉलिंग में भी काफी धार देखने को मिली है इस सत्र में. यस इज गोइंग टू बी यासिर शेख हु क्लेम द हैट्रिक इन मेगा फिनाले ऑफ बाली ट्रॉफी अप टू द विकेट नाउ. पेस एंड क्यूरियस बॉलर फर्स्ट बॉल बैट्समैन चेक इज स्टॉक कवर्स इज स्टम एंड लूज बॉटम एंड पुश इन कवर्स फ्रॉम बैट्समैन भारतीय क्रिकेट संघातील बेस्ट क्रिकेटर सन्माननीय एबी कुरविला साहेबांचं आमदार चषक 2018 मध्ये आगमन होत आहे. वेलकम सुस्वागतम. आमदार चषक 2018 मध्ये शुभागमन झालेलं आहे भारतीय क्रिकेट संघातील माजी क्रिकेटर सन्माननीय एबी कुरविला साहेब आपलं आमदार चषक 2018 मध्ये मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे. वेलकम सुस्वागतम. बिल्कुल हमारे सुस्वागतम सुस्वागतम. भारत के पूर्व क्रिकेटर टॉलमैन बिग बट अबे कुरवेला जी का आगमन हो चुका है. आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है. वेलकम सुस्वागतम. आमदार चषक 2018 मध्ये शुभागमन झालेला आहे भारतीय क्रिकेट संघातील माजी क्रिकेटर एबीजी कुरविला साहेब आपलं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे. वेलकम सुस्वागतम. आमदार चषक 2018 मध्ये आपलं मनपूर्व हार्दिक स्वागत आहे. एक जबरदस्त क्रिकेटर आपल्यामध्ये येत आहेत भारतीय क्रिकेट संघातील माजी क्रिकेटर एबी कुरविला साहेब आपलं आमदार चषक 2018 मध्ये मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे. वेलकम सुस्वागत. मॉनिटर द फेमस एक्स इंडियन क्रिकेटर अभय कुरविला जॉइंड इन एमएलए ट्रॉफी. वेलकम सर. आपण पाहू शकता एक जबरदस्त पर्सनॅलिटी आहे एबी कुरविला साहेब आणि सर्व क्रिकेट रसिक त्यांच्याकडे बघत आहेत. बी इंडियनचे सुद्धा एक जबरदस्त सामना चालू आहे. आमदार चषक 2018 मध्ये व्यासपीठावर शुभागमन झालेले आहे भारतीय क्रिकेट संघातील माजी क्रिकेटर एबी कुरविला साहेब आपलं आमदार चषक 2018 मध्ये हार्दिक स्वागत आहे. वेलकम सुस्वागतम. यू आर वॉचिंग क्रिकेट के रंग महेंद्र स्पोर्ट्स के संग एमएलए ट्रॉफी 2018. मोस्ट वेलकम द फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर अभय कुरविला जी इन एमएलए ट्रॉफी 2018. इज गोइंग टू बी टॉल मैन यासिर शेख पेस एंड क्यूरियस बॉलर ऑफ भिवंडी टेनिस क्रिकेट अप टू द विकेट नाउ राइट आर्म राउंड विकेट बॉल्स टू लखन ओबीसी आउटसाइड द ऑफ स्टंप ब्यूटीफुल बॉल इन डीड अप टू द बैट्समैन एंड बॉल इज कीपिंग लो अराउंड द ऑफ स्टंप. एक एंगल के तहत गेंदबाजी करते हुए यासिर शेख और ये देखिए कौन बन भी रहा है. उनका गति काफी अच्छी है और लेंथ देखिए पुलर लेंथ बल्लेबाज अक्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे. यासिर शेख टर्न फ्रॉम फार एंड टर्न फ्रॉम श्याम नाइक गैलरी एंड राइट आर्म राउंड विकेट चार्जिंग फ्रॉम देयर दिस टाइम लखन यूज हिज फिट ड्रिवन नाइसली स्ट्रेट टू लॉन्ग ऑफ बैट्समैन गो फॉर वन ही पिक्स ऑन द ऑफ ऑल एंड फर्मली ड्रिवन ऑल ऑन द ग्राउंड सो वन मोर टू टोटल नाउ स्कोर वॉज अप टू 13 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट. You are watching MLA Trophy 2018 and just now joined with us the Indian former cricketer, the pace attacker, Big Bird, Abe Kurvila. Yasir Sheikh, tall man. This time miscue police stroke, Apish stroke but safe. Didn't carry there. Batsman looking for a second income throw. Finally changed their mind and come back in the crease. So one more to total now. Score was up to 14. फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट. देखिए सिद्दीक भावे चौथे ओवर का खेल प्रगति पर है और अभी तक एक भी चौका या छक्का इस मैच में देखने को नहीं मिला है. यासिर शेख राइट आर्म राउंड विकेट दिस टाइम ब्यूटीफुल बॉल फुलर लेंथ जस्ट पास द ऑफ स्टंप. यासिर गेटिंग अ लॉट ऑफ पेस ही जनरेट द पेस फ्रॉम द पिच दिस वन वॉज अ हिमसेल्फ यॉर्क लवली बॉल इंडीड beautiful ball just past the stumps well collected by wicket keeper and there we watch Yasir Sheikh right arm round wicket this time down the ground should be a six yes it is what a shot with the straight bat. match ka pehla sixer lakhan ke bat se nikalta hua फ्लैट बैटेड स्ट्रोक लेकिन डाउन द ग्राउंड खेला उन्होंने बॉलर के सिर के ऊपर से. आइए देखते हैं रीप्ले में. यह भी गेंद कोन बनाकर बाहर निकल रही थी लेकिन अच्छा कनेक्ट किया है ताकतवर शॉट 6 रन. बिल्कुल अजय गरत अपने आप को गेंद के लाइन से अलग कर दिया था पिछले पांव पे वजन को ट्रांसफर किया
6 रन। आज एमएलए ट्रॉफी की शान को बढ़ाते हुए भारत के फॉर्मर क्रिकेटर अभय कुड़विला जी हमारे बीच पहुंच चुके हैं, आपका हार्दिक स्वागत है सर एमएलए ट्रॉफी 2018 में। साथ में आपला आमदार रुपेश दादा मात्रे जी भी हैं। जी हाँ, ये आप उनको देख सकते हैं, अभय कुड़विला जी आपका हार्दिक स्वागत है। अगले टॉस के लिए दोनों कैप्टन को टॉस बॉक्स में रहना है और आज हम जरूर पूछेंगे कि अभय कुड़विला जी से के टेनिस के शो में आप कैसा फील कर रहे हैं। क्रिकेट के रंग महिंद्रा स्पोर्ट्स के संग 1997 में उन्होंने भारतीय बॉलिंग को लीड किया था पेस अटैक को वेस्ट इंडीज के टूर पर। 10 टेस्ट खेले, 25 वनडे खेले और दोनों में 25-25 विकेट्स उनके नाम है। नकेज मित्रांनो, अंडर चषक 2018 मध्ये व्यासपीठावर विराजमान आहेत। भारतीय क्रिकेट संघातील एक जबरदस्त क्रिकेटपटू, एक सुपर डुपर पर्सनॅलिटी आपण पाहतोय। अभि कुरविला साहेब आपलं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे। भिवंडीचे ऐतिहासिक छत्रपती शिवाजी महाराज क्रीडा नगरीमध्ये टेनिस क्रिकेटचा महासंग्राम सुरू आहे आणि टेनिस क्रिकेट आणि लेदर क्रिकेटमधील जो अंतर आहे तो नक्कीच आपण यानंतर सांगणार आहात। पुन्हा एकदा आपलं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे। भिवंडी पूर्वचे सन्मानीय लाडके आमदार रुपेदादा म्हात्रे साहेब, तसेच या चषकाचे आयोजक भिवंडी महानगरपालिकेचे नगरसेवक संजयजी म्हात्रे साहेब यांच्या वतीने आपलं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे। वेलकम, सुस्वागतम। गेंदबाजी के लिए साकिब को बुलाया गया है। लेफ्ट आर्म स्लो मीडियम करते हैं। 20 रन समय रहे स्पोर्ट 4 विकेटों के नुकसान पर। साकिब दूर रखा था वहां पे, व्हाइट का इशारा अंपायर का, दूसरे मोहल्ले में गेंद को कर बैठे थे। 2 रन से स्कोर आगे सरकता हुआ 22 रन 4 विकेटों के नुकसान पे। फ्लैटर ट्रैजेक्टरी की गेंद लेकिन ज्यादा दूर रख बैठे वहां पर साकिब। रनों की रफ्तार को बढ़ाने की एक बहुत बड़ी चुनौती है बल्लेबाजों के कंधों पर, लेकिन अभी तक बांधे रखा है इंडियन की गेंदबाजी ने। साकिब मुड़ते हुए इस मरतबा बहुत ही करारा ऑन ड्राइव, पहले बाउंस पे लॉन्ग ऑन पे यासिर ने गेंद को उठाया, 1 रन स्कोर में बढ़ता हुआ 23 पे पहुंचा स्कोर 4 विकेटों के नुकसान पे। 23 रन 4 विकेटों के नुकसान पे। साकिब बढ़िया गेंद, आम बॉल था, सीधा किया था वहां पे साकिब ने, थोड़ा तेज भी था क्विकर वन, बल्ले के करीब से गेंद जाती हुई विकेट कीपर के पास। ये देखिए बहुत खूबसूरत गेंद, लेफ्ट आर्म राउंड विकेट जाते हुए। इस मरतबा गेंद को आसमान में तान दिया है, गेंद के नीचे बाबा और बढ़िया कैच। इस तरह के कैचेस अजय गरत आसान नहीं रहते हैं, इसका अर्थ था और बहुत अच्छा जज किया था वहां पे बाबा ने डीप स्क्वायर लेग पर। बिल्कुल सही कहा आपने, काफी देर हवा में रही थी गेंद, बहुत ऊंची चली गई थी और बाउंड्री के नजदीक भी थे, लेकिन बहुत अच्छा कैच और ये दूसरा कैच लिया है। दोनों इसी तरह के कैचेस बाबा ने लिए हैं इस पारी में, तो पूरी तरह से हावी है बी इंडियन के गेंदबाज और फील्डर्स इस मैच में। 23/4 समयरा स्पोर्ट्स। 23 रन 5 विकेटों के नुकसान पे नए बैट्समैन बल्लेबाजी को आए हैं प्रेम पाटिल। जहां 5 विकेट गिरे हैं तो आधी टीम अब पेविलियन में लौट चुकी है। धनेश 11 के कैप्टन और बालाजी स्पोर्ट्स के कैप्टन, आप दोनों से रिक्वेस्ट है कि आपको हमारे टॉस बॉक्स में रहना है। ये पहला प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबला आप देख रहे हैं। शॉर्ट गेंद, मिस टाइम स्ट्रोक, लेकिन कोई भी खिलाड़ी वहां नहीं पहुंच पाया। 1 रन स्कोर में बढ़ता हुआ स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है 24 रन 5 विकेटों के नुकसान पे। 24 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। करंट रन रेट अभी भी 6 से नीचे है प्रति ओवर और इस विकेट पर हमने कई रन्स देखे, ढेर सारे रन्स देखे हैं। 6 ओवर में 100-100 रन भी देखे हैं। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट जाते हुए इस मरतबा पैरों से टकराई, आउट LBW। प्रेम पाटिल अपना खाता भी नहीं खोल पाए, शून्य पे आउट होके जा रहे। चतुराई भरी गेंदबाजी,
अंदर की तरफ लाए थे तेजी से और बैट्समैन मोड़ना चाहते थे ऑन साइड में, चूक गए। हालांकि ये यासिर की गेंद दिखाई जा रही है, लेकिन विकेट मिला है साकिब को। इस ओवर में दूसरा विकेट प्राप्त किया है साकिब ने, बढ़िया गेंदबाजी। स्कोर है 24 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। सिटी क्रिकेट की जो टैली है 6 कप के साथ जो फील्डिंग कर रही है, बी इंडियन नंबर 1 पे रैंक कर रही है। अगले मैच के टॉस वाली धनेश 5 कप के साथ दूसरे नंबर पर। और ये देखिए प्लम LBW विकेटों के सामने थे, पैर झुका हुआ था, पैर को फोल्ड करके शॉट को खेलने की कोशिश की थी बैट्समैन ने। इस मरतबा बढ़िया गेंद विकेटों के ऊपर से चली गई डॉट गेंद। 5 ओवर की समाप्ति, स्कोर है 24 रन और विकेटों को हम देखें तो 6 विकेटें अब तक गवाई है समायरा स्पोर्ट्स ने। बी इंडियन नंबर 1 पे रैंक कर रही है और नंबर 1 क्रिकेट आप देख रहे हैं। संजय मात्रे जी, ये भारत के फॉर्मर क्रिकेटर अभय कुड़विला जी, आमदार आपला आमदार रुपेश दादा मात्रे। कुड़विला जी के मालूमात के लिए कि टेनिस दुनिया की सबसे बड़ी नगरी है भिवंडी सिटी। यहाँ पर ये टेलीकास्ट इस वक्त SMP चैनल पे आधे देश में जा रहा है, यूट्यूब से पूरी दुनिया में जा रहा है। और ये टेलीकास्ट जो टेनिस क्रिकेट है उसकी सबसे बड़ी नगरी भिवंडी सिटी है। भिवंडी क्रिकेट तालुका में लगभग 20 से 25 ऐसे इवेंट होते हैं जो ऐतिहासिक रहे हैं। खेल की शुरुआत होती हुई आखिरी ओवर लेकर टॉलमैन यासिर शेख मैदान में और टॉलमैन अभय कुड़विला जी हमारे VIP मंच पे। इस मरतबा लव कर दिया गया इनको स्टैंड में, 6 रन। यासिर के पेस को बहुत अच्छा कनेक्ट किया था, थोड़ा सा अपनी लेंथ में चूके, ओवर पिच गेंद थी आंखों के नीचे, बहुत खूबसूरत शॉट, 6 रन। शानदार लॉफ्टेड ऑन ड्राइव यहां पर लखन के बैट से। देखिए सीधे बैट से खेला उन्होंने, ज्यादा ताकत से खेलने का प्रयास नहीं किया इस बार, टाइमिंग पर ध्यान दिया और अकेले बेहतरीन टाइमिंग। अकेले लुआ ले रहे हैं, माय नेम इज लखन, 17 पे बल्लेबाजी कर रहे लखन। राइट आर्म राउंड विकेट आते हुए पटकी भी गेंद, मिसक्यू हुक शॉट है, आंखें अट गई थी जब शॉट को खेल रहा था लखन ने। गेंद लुढ़क कर पहुंची थी जमीन के सहारे, 1 रन। 31 पे पहुंचा स्कोर समायरा स्पोर्ट 6 विकेटों के नुकसान पे। 31 रन तो समायरा स्पोर्ट्स ने अपने पिछले मैच में हमिद स्पोर्ट्स के विरुद्ध पहले ही ओवर में बनाए थे, आज 6 ओवर में 31 रन बने हैं। राइट आर्म राउंड विकेट आते हुए इस मरतबा अच्छा ड्राइव इनसाइड आउट खेला है, वाइड ऑफ लॉन्ग ऑफ मिसफील्ड, दानिश से 2 रन पूरे किए बैट्समैन ने। स्कोर आगे सरकता हुआ 33 पे पहुंचा है। आज MLA ट्रॉफी की जीनत को दोबाला कर रहे हैं, शोभा को बढ़ा रहे हैं भारत के फॉर्मर क्रिकेटर अभय कुड़विला जी। कैप्टन थोड़े से महंगे साबित होते हुए भी इंडियन के। राइट आर्म राउंड विकेट, इस मरतबा ड्राइव किया मिस टाइम स्ट्रोक और कोशिश जरूर बढ़िया थी वहां पर, नहीं पहुंच पाए। तेज गेंदबाज के लिए इतना आसान नहीं रहता है कॉटन बोल्ड में इतने दूर दौड़कर कैच को पकड़ना। मेरे ख्याल से बैकवर्ड ऑफ द पॉइंट जो खिलाड़ी थे सर्कल के अंदर उनका कैच बन सकता था। देखिए गेंदबाज कितनी दूर से आए थे, कहीं ना कहीं उन्होंने कॉल भी शायद दिया था उस फील्डर को, अथवा उस फील्डर के लिए आसान मौका बन सकता था। 34 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। कितनी गेंदें बची आखिरी ओवर की। धनेश कुकसे के कैप्टन और बालाजी के कैप्टन आज शाम का सबसे बड़ा मुकाबला आप देखने जा रहे हैं, धनेश बनाम बालाजी स्पोर्ट। बहुत बढ़िया गेंद, नीची रही थी, सबमरीन गेंद थी, टिप्पा खाने के बाद काफी नीची भी रही थी। नहीं इतनी ज्यादा फुल लेंथ गेंद करेंगे तो फिर उछाल का तो कुछ है ही नहीं उसमें बैट्समैन के लिए, बिल्कुल बैट के नीचे आ गई थी, यॉर्क कर लिया वहां पर बैट्समैन को। यस वाइड यॉर्कर था यासिर शेख का। अभी भी टोटल तो उतना अच्छा नहीं बना है, लेकिन क्रिकेट कॉल अ ग्लोरियस अनसर्टेनिटी गेम। यासिर शेख मुड़ते हुए कदमों का इस्तेमाल और इसके साथ ही 6 ओवर की समाप्ति, 34 रन बने, 35 की चुनौती बी इंडियन के सामने।
आमदार चषक 2018 मध्ये उपस्थित मान्यवरांचं आपण स्वागत आणि सन्मान करूया. मित्रो, आज आपल्यामध्ये भारतीय क्रिकेट संघातील एक अष्टपैलू खेळाडू, माजी क्रिकेटर, सन्माननीय एबी कुरविला साहेबांचं स्वागत आणि सन्मान करायचं आहे. वेलकम, सुस्वागतम. भिवंडी नगरीमध्ये आमदार चषक 2018 मध्ये आपलं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे. कार्यक्रमाचे आयोजक भिवंडी महानगरपालिकेचे नगरसेवक संजयजी मात्रेसाहेबांना विनंती करतो. आपल्या शुभास्ते बघा, पासण्यासाठी 6 फूट हाईट आहे, त्याहून अधिक आहे. नक्कीच एबी कुरविला साहेबांचं स्वागत आणि सन्मान केलं जात आहे. भारतीय क्रिकेट संघातील माजी क्रिकेटर एबी कुरविला साहेब, आपल्या भिवंडी नगरीमध्ये आमदार चषक 2018 मध्ये हार्दिक स्वागत आहे. आणि कुरविला यांचं भिवंडी नगरीमध्ये हार्दिक स्वागत आहे. मनोहर जेवढी उंची त्याच्यापेक्षा जबरदस्त त्यांची कामगिरी आहे आणि त्यामुळे त्यांचं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे आमदार चषक 2018. आपण पाहतोय नक्कीच एक उत्तुंग शिखर असलेलं व्यक्तिमत्व असलेलं हे भारतीय क्रिकेट संघातील व्यक्तिमत्व माजी क्रिकेटर एबी कुरविला साहेब, आपलं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे. आणि सिराज भाई, आपलं देखील हार्दिक स्वागत आहे. वेलकम, सुस्वागतम. मी एबी कुरविला साहेबांना विनंती करतो की आपण नक्कीच टॉस करण्यासाठी येते. धन्यवाद मनोहर तारे. दोस्तों, एमएलए ट्रॉफी 2018 की बहुत ही खूबसूरत शाम है और इस शाम में और चाम भर रहे हैं भारत के फॉर्मर क्रिकेटर तेज गेंदबाज अभय कुरविला जी, जो टॉस बॉक्स में हमसे जुड़ने जा रहे हैं. ऑल द बेस्ट भावेश पवार, धनेश कुकसे के कैप्टन, एंड ऑल द बेस्ट सोमनाथ. अभी कुरविला जी हमसे जुड़ते हुए, मोस्ट वेलकम सर. टॉल मैन, बिग बड भारत के. आइए, ये धनेश कुकसे के कैप्टन है, वो बालाजी के कैप्टन है. और सर, मैं आपकी मालूमात के लिए सिक्का आपको बताना चाहूंगा. एक तरफ है क्रिकेट के रंग महिंद्रा स्पोर्ट्स के संग महिंद्रा स्पोर्ट, और एक तरफ है आपला आमदार जो हमारे साथ खड़े हैं. टॉस को इस वक्त जीता है बालाजी स्पोर्ट्स ने. टॉस विनिंग कैप्टन के लिए गिफ्ट है. सर, आपकी मालूमात के लिए मैं आपको ये बताता चलूं कि सारे देश में बल्कि सारे दुनिया में टेनिस की नगरी है भिवंडी. आइए, मैं आइए दोस्तों, आज भिवंडी की सरजमीन पे भारत के तेज गेंदबाज अभी कुरविला जी हैं. सर, सबसे पहले ये बताइए, आप लेदर क्रिकेट को बिलोंग करते हैं और टेनिस के इस शो में आए हैं. सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगा कि आप इस सुहानी शाम में कैसा फील कर रहे हैं? पहली बात तो ये है कि मैं खुद बहुत टेनिस बॉल क्रिकेट खेलता था, तो लेदर बॉल तो बाद में खेला. 20 साल के बाद मैं लेदर बॉल खेलने चला, उसके पहले टेनिस ही खेलता था. और ये बहुत अच्छा, वेल ऑर्गेनाइज है, ग्राउंड भी अच्छा है, वेरी वेल ऑर्गेनाइज. और इतने लोग मैच देखने को आए, रणजी ट्रॉफी में भी आजकल 20-25 लोग रहते हैं, इधर तो ऑलरेडी 500 लोग ऊपर है. तो कॉन्ग्रेचुलेशन मात्रे साहब को इतना अच्छा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया. सर, ये बताइए, अपने भारत की नुमाइंदगी की है, क्या बचपन से आपका कोई सपना था या कोई ऐसी पर्सनालिटी थी जिसने आपको क्रिकेट लेदर की तरफ खींचा था? ऐसा नहीं, क्रिकेट में खेलता था, कोई मुझे अच्छा लगता था खेलने को, तो मैं सुबह से टेनिस बॉल सैटरडे संडे बाहर ही रहता था, खेलते रहता था, और बाय चांस लेदर बॉल क्रिकेट में आ गया, नहीं तो मैं टेनिस बॉल ही खेलता था. इंटरनेशनल क्रिकेट को आपने खेला है, हर खिलाड़ी का उसका अपना आइडियल रहता है. आप तेज गेंदबाज रहे, आपका आइडियल दुनिया के क्रिकेट में कौन रहा? सी, तेज गेंदबाज कपिल देव, इंडिया का अगर देखो तो कपिल देव सबसे बड़ा स्टार था, हम सब कपिल देव की तरफ देखते थे. बट ओवरऑल मेरा फेवरेट फास्ट बॉलर अगर कोई देगा तो मेरा वसीम अकरम है. ये बताइए कि आपने 25 विकेट टेस्ट में लिए, 25 वनडे में, हालांकि सभी विकेट से आपको प्यार होगा, लेकिन कोई ऐसा लम्हा होगा, कोई ऐसा विकेट होगा जहाँ किस बैट्समैन को आपने आउट किया हो तो आपको सबसे ज्यादा खुशी हुई? प्रॉब्ली मेरा फर्स्ट विकेट, जो क्योंकि एक बार आपको भारत की तरफ से खेलने मिलता है वो इटसेल्फ ही बहुत बड़ी बात है, उसमें जो अगर पहली विकेट होते ऑलवेज अच्छी लगती. और ऑब्वियसली एक तेज गेंदबाज की नज़र में बैट्समैन हमेशा रहता है. दुनिया क्रिकेट में आपने बहुत ज्यादा क्रिकेट खेला, कहीं ना कहीं अभी कुरविला उस बैट्समैन को सलाम करना चाहेंगे जिसके सामने गेंदबाजी करते हुए कहीं ना कहीं आपने दिक्कत महसूस की हो?
सी वैसे तो के हर कोई जो इंटरनेशनल खेलता है सभी अच्छे प्लेयर होते हैं, इंटरनेशनल के इवन डोमेस्टिक क्रिकेट में फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स होते हैं, तो सब प्लेयर्स का स्ट्रांग पॉइंट्स रहता है, वीक पॉइंट्स रहता है। सो बट आपको एज अ बॉलर ऑलवेज सोचना चाहिए कि आप उसको आउट कर सकते हो, अगर आपने सोचा कि वो आपसे अच्छा है तो फिर तो आप कॉम्पीट ही नहीं कर सकते। सर क्या फर्क महसूस कर रहे हैं आप टेस्ट क्रिकेट, ओडीआई और टी20, आजकल जो ये तीनों फॉर्मेट है इसमें क्या डिफरेंस आप महसूस करते हैं? सी क्रिकेट तो सेम है, बट टी20 फॉर्मेट बहुत फास्ट चलती है और उसमें क्या है, अभी पहले बैट्समैन अगर पहले 50 ओवर में 250 रन कर दिया तो बहुत बड़ी बात होती थी कि 250 चेस नहीं होती थी, आजकल 20 ओवर में लोग 200-220 रन कर रहे, तो बैट्समैन का थिंकिंग अलग हो गया है कि उनको पता है कि कोई भी टारगेट चेस कर सकते। दो तीन सवाल और करना चाहूँगा कि आपको भारत की टीम में जब चुना गया होगा आपके लिए सबसे हैप्पी मोमेंट होगा, लेकिन कोई ऐसा स्पेल आपकी नज़र में होगा जो आपके लिए सबसे अच्छा रहा हो? सी बहुत मेरे को इंडिया के लिए खेला तभी डेफिनेटली बहुत खुशी हुई थी, इवन वेस्ट इंडीज़ में जब 5 विकेट लिए वो अच्छी लगी, बट मेरे को सबसे खुशी हुई जब मैं बॉम्बे के लिए फर्स्ट टाइम खेला, बॉम्बे के लिए रणजी ट्रॉफी खेला, वो उसमें मेरे लिए वो स्पेशल गेम था। एक तेज़ गेंदबाज, क्योंकि टेनिस क्रिकेट में भी बहुत तेज़ गेंदबाज है, आपने भी कहा आपने भी टेनिस खेला है, आगे इनका भी फ्यूचर है, एक तेज़ गेंदबाज के लिए क्या ज़रूरी रहता है, किस तरह के आप टिप्स देना चाहेंगे यहाँ पर? मैं टिप्स ऐसे नहीं देखते, कोई भी बॉलर हो वो कोई बैट्समैन से डरना नहीं चाहिए, कोई भी सामने खड़ा रहने दो, आपको बिलीफ रखना चाहिए कि वो आप उसको आउट कर सकते हो, तो ये सबसे मेन थिंग है, क्योंकि क्रिकेट सबसे ज़्यादा आप सर में रहता है, द मोमेंट आपको कोई भी चीज़ से डर लग जाए तो फिर आप परफॉर्म नहीं कर सकते। और अभी कुरविला का सबसे पसंदीदा ग्राउंड दुनिया क्रिकेट में कौन सा है? ऐसा तो सब ग्राउंड्स अच्छे हैं, मैं बॉम्बे के लिए खेला तो रणजी ट्रॉफी खेला, सब कुछ खेला तो वानखेड़े स्टेडियम था, अभी मैं डीवाई पाटिल के काम करता हूँ, डीवाई पाटिल स्टेडियम वन ऑफ द बेस्ट स्टेडियम इन द कंट्री है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, ये थे दोस्तों बहुत ही मशहूर क्रिकेटर फॉर्मर अभी कुरविला जी। आइए ऊपरे ग्राउंड का मुआयना कर रहे हैं, आइए जब तक मैं टॉस विनिंग कैप्टन बालाजी के सोमनाथ से पूछना चाहूंगा, सोमनाथ ये बताइए आपने टॉस जीता है क्या करना चाहेंगे? बैटिंग करेंगे हम लोग। रीजन बता सकते हैं? शाम डर रही है? शाम भी डर रही है और अच्छे टारगेट से हम लोग उतरेंगे मैदान में, और कुकसा भी अच्छी टीम है और हिसाब से उनके सामने एक अच्छा टारगेट रखने की कोशिश करेंगे। कल जो टीम खेली थी उसमें कोई रद्दो बदल है? नहीं सर, वही टीम खेलेगी। और ये बताइए कि 6 ओवर में धनेश कुकसे के सामने क्या लक्ष्य रखना चाहेंगे? 6 ओवर में सब हम लोग 70 प्लस रहना चाहेंगे क्योंकि अच्छी बल्लेबाजी है धनेश के पास, वो हिसाब से। कैप्टन अपने तरफ से किस तरह का परफॉर्म करेंगे? आप ग्राउंड में देख लेंगे सर। बैक टू बैक दो मैन ऑफ द मैच हासिल किए हैं सूरज जोशी ने, क्या अपेक्षा रखते हैं सन ऑफ भिवंडी? हमेशा बालाजी को सूरज की तरफ से 100% मतलब हम लोग मांगते हैं और कभी निराश नहीं किया, इस मैच में भी शायद हमें दे, यही खाली अपेक्षा रखेंगे हम लोग। ऑल द बेस्ट। धनेश कुकसे के कैप्टन भावेश पवार हरफन मोहला खिलाड़ी मेरे साथ है। भावेश ये बताइए आप टॉस जीतते तो क्या करते? फील्डिंग ही करने वाला था। और आपको फील्डिंग मिली है, लेकिन कहीं ना कहीं आप जब चेस करेंगे तो रात की रोशनी रहेंगी, तो भावेश पवार कहाँ तक रोकना चाहेंगे बालाजी को? 50 से 55 तक। भावेश ये बताइए पिछला जो मैच खेला उसमें कोई चेंजेस है? जयेश पाटिल नहीं है। आज जयेश पाटिल नहीं है, तो जयेश पाटिल की जगह टीम में कौन है? महेश ठाकरे रहेगा या मनोज भोई रहेगा, दोनों में से कोई तो रहेगा। तो क्या उम्मीद करें कि धनेश आगे की तरफ देख रही? हाँ सर, अच्छा खेलेंगे तो आगे की तरफ देखेंगे। ऑल द बेस्ट। द न्यूज फ्रॉम द टॉस बॉक्स इज बालाजी वन द टॉस, दे डिसाइडेड टू द बैट फर्स्ट, इज बैक टू द कमेंट्री बॉक्स। आणि आमदार चषक 2018 मध्ये भारतीय संघातील जबरदस्त खेळाडू हॅनी कुरुविला यांना आपण पाहत आहात। छत्रपती शिवाजी महाराज क्रीडांगण भादवा टेमगरपाडा भिवंडी आमदार चषक 2018 मध्ये उत्तुंग पर्सनॅलिटी आहे आणि त्यांची खासियत राहिलेली आहे की ते जबरदस्त गोलंदाज होते। एबी कुरुविला जी नक्कीच आपण पाहू शकता एबी कुरुविला यांना, ज्यांचा जन्म झाला होता 8 ऑगस्ट 1968 मध्ये आणि भारतीय संघाकडून 25 वनडे आणि 10 टेस्ट सामने एबी कुरुविला खेळले होते। राईट आर्म फर्स्ट मीडियम बॉलर, टेस्ट डेब्यू केला होता वेस्ट इंडिज संघाविरुद्ध
सहा मार्च 1997 मध्ये आणि शेवटचा सामना खेळला होता श्रीलंके विरुद्ध सुभाष तुम्हाला एबी कुरवेलांनी एक खूप छान सांगितलं की ज्या क्रीडांगणावर आपण खेळलो तो क्रीडांगण आपल्यासाठी एक नंबरचा असतो व्हॉट अ बॉल चेंडू हवेमध्ये निश्चित सर 10 टेस्ट मॅच मध्ये 15 इनिंग मध्ये अबू कुरवेलाने 1765 चेंडू टाकले होते 892 धावा दिल्या होत्या आणि 25 विकेट घेतले होते दोन्ही फॉर्मेटमध्ये वन डे आणि टेस्ट फॉर्मेटमध्ये प्रत्येकी 25 विकेट घेण्याचा रेकॉर्ड एबी कुरवेला यांच्या नावे आहे ज्यांची बेस्ट बॉलिंग फिगर आपल्याला वेस्ट इंडिज संघाने तो पाहिले होते सेकंड इनिंगमध्ये थर्ड टेस्टमध्ये 68 धावा देऊन 5 महत्वाची फलंदाजांना बाद केले होते आणि ती बेस्ट बॉलिंग फिगर एबी कुरवेला यांची इंटरनॅशनल क्रिकेटमध्ये आपल्याला पाहायला मिळाली होती जबरदस्त अष्टपैलू खेळाडू एबी कुरवेला भारतीय संघातील एक जबरदस्त नामवंत खेळाडू छत्रपती शिवाजी महाराज क्रीडांगण भादवड टेमगरपाडा भिवंडी आमदार चषक 2018 मध्ये निश्चितच आपण आपल्या या पीच वर अनुभवत आहात आणि आता मात्र फलंदाजीसाठी तयार सन्माननीय आमदार रुपये दादा मात्रे हो दादा संभाल के खेळणार मागच्या वर्षीचा आमदार साहेबांचा स्ट्राइक रन रेट 400 होता लेकिन इस साल उन्होंने खाता नहीं खोला पहले मैच में व्हाट अ शॉट फॉर अस अबे सर दुसऱ्या मोहल्ल्यामध्ये जाते भिवंडी पूर्वचे सन्माननीय आमदार रुपेश दादा म्हात्रे साहेब स्वतः फलंदाजी करत आहेत भारतीय संघातील एक जबरदस्त अष्टपैलू खेळाडू एबी कुरवेला आमदार चषक 2018 मध्ये आजच्या 9व्या दिवशी त्यांचं पदार्पण आहे तसा 9 आकडा सन्माननीय आमदार साहेबांसाठी शुभ आहे जोरदार प्रहार संजय भाई म्हात्रे हे सुद्धा एक तडाखेबाज फलंदाज आहेत आमदार चषकाच्या शान वाढते कारण भारतीय संघातील एक जबरदस्त नामवंत खेळाडू एबी कुरवेला प्रत्येकाला हवे असा वाटणारा असा खेळाडू म्हणून ज्यांच्याकडे पाहिलं जात भिवंडीतील तमाम रसिक प्रेक्षकांचं आमदार चषक 2018 मध्ये मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे आमदार चषक 2018 मध्ये आजचा अतिशय आनंदाचा दिवस आहे भारतीय संघातील अष्टपैलू खेळाडू एबी कुरवेला यांचं श्री छत्रपती शिवाजी महाराज क्रीडांगण भादवड टेमगरपाडा भिवंडी या आमदार चषक 2018 मध्ये एबी कुरवेला या भारतीय संघातील उत्कृष्ट खेळाडूंचं आगमन झालेलं आहे पुनश्च एकदा त्यांना विनंती असेल स्वर्गीय महेंद्र लक्ष्मण म्हात्रे व्यासपीठावर ते विराजमान होत आहेत रणजी खेळाडू सिराज भाई सुद्धा त्यांच्या समोर होत आहेत
हुसैन राजस्थानी ने बी इंडियन और मुनाफ को ऑल द बेस्ट कहा है। खेल की शुरुआत होती है और माइक्रोफोन पे आ रहे हैं शाहिद खान। बहुत बहुत शुक्रिया बाबे सर। 35 रनों की चुनौती यहां पर। महेश स्ट्राइक पर है, हासिब नॉन स्ट्राइक पर है, जावेद। महेश लेफ्ट आर्म और विकेट से वीआईपी डाइस की जानिब से। पहली गेंद बहुत अच्छी गेंद थी, फुल लेन की, कारपेट के सहारे खेला, गेंद लॉन्ग ऑफ की दिशा में, प्रेम ने उठाया, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। सुबह जी यहां पर आज बी इंडियन ने बहुत बढ़िया गेंदबाजी की। समायरा के बल्लेबाजों का फ्लॉप शो रहा, जहां पर आज उनके सबसे अच्छे बैट्समैन सुखदेव और अनंता जब जीरो पे आउट हुए। दिलीप पाटिल भी खासा कमाल नहीं दिखा पाए, 18 रन की बारी लखन ने जरूर खेली। हरीश भी आज कुछ कमाल नहीं दिखा पाए। इस बीन स्लॉक किया जावेद ने, क्या गेंद मैदान के बाहर, यस 6 रन। सलमान ने बी इंडियन को ऑल द बेस्ट कहा है और ऑल इज वेल यहां पर शुरू हो चुका है बी इंडियन का। पहली गेंद और सिक्सर से खाता खुलता हुआ। सुभाष जी नक्कीच माफक आव्हान आहे, माफक आव्हानाचं पाठलाग करताना आपण पाहतोय बी इंडियन या संघाला। जावेद यांनी मात्र डॅशिंग अंदाजांमध्ये आपला अकाउंट ओपन केलेला आहे। महेश एक छोटी सी चुनौती है, छोटी सी चुनौती में अगर इस तरीके से गेंदबाजी हुई तो मैच ऐसा लग रहा है बहुत जल्द समाप्त होगा। सुबह जमाल जी अगला मुकाबला, एक बहुत बड़ा मुकाबला जहां देखने जा रहे हैं धनेश कुक से और बालाजी स्पोर्ट्स। महेश खराब गेंद इस वक्त, बीमार, नो बॉल। और ऐसी स्थिति में जहां पर टीम को एक एक रन बचाना है और वहां पर अगर आप ऐसा तोहफा देंगे सुभाष जी तो यकीन मैं कहूंगा कि मैच बहुत जल्द समाप्त हो जाएगा। नक्कीच अतिशय खराब चेंडू अपन बात है, हेलिकॉप्टर डिलीवरी है, हाताळले आणि बीमर चेंडू, यापुढील चेंडू फ्री हिट असणार आहे। फ्री हिट जावेद के लिए, लोअर फुल टॉस, बैठ कर खेलने की कोशिश, स्वीप अंदाज, महेंद्र कामन करके हाथों में गेंद, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। स्कोर इस वक्त 9 रन, 35 रन की जरूरत है यहां पर। महेश अब स्ट्राइक पर हासिब के पास, फुल टॉस गेंद थी, कारपेट के सारे खेला, एक ही रन। दस रन, बहुत अच्छी शुरुआत बी इंडियन की यहां पर हम देख रहे हैं। एक छोटे टोटल में भी बिल्कुल पॉजिटिव क्रिकेट बी इंडियन खेलती हुई। निश्चित अतिशय उत्कृष्ट प्रदर्शन अपन पाहतोय बी इंडियन संघाकडून। या वर्षी संघामधील नंबर 1 संघ आहे, 6 चषकांचा हा संघ नंबर 1 वर रँक करत आहे। इस बीच गेंद खराब, गेंद अपनी दिशा से भटकते ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बाहर, व्हाइट बॉल का इशारा। आमदार चषक छठा साल इस मैदान पर। डे और नाइट एक बहुत बड़ी स्पर्धा, आमदार रुपेश दादा मात्रे जी, संजय भाई मात्रे जी की देन। इस बीच स्लॉक करने की कोशिश, हवा में गेंद और गेंद मैदान के बाहर, 6 रन। अतिशय उत्कृष्ट फटका आपण पाहतोय, चेंडू बॅटला लागला होता त्याच्यावर मोर उमटली होती षटकाराची, षटकारी धावसंख्या मुसंडीमध्ये धावसंख्या 6 ने वाढून होती ती 17, एक माफक आव्हान आहे 35 धावांचं बी इंडियन या संघासमोर। भिवंडी के वर्ल्ड कप के नाम से मशहूर आमदार चषक इस वक्त जोरों शोर से भिवंडी तालुका में चलता हुआ। इस बीच लेग स्टंप पे गेंद और एक और सिक्सर जावेद के बल्ले से। महेश बहुत महंगे साबित होते हुए, कुल मिलाकर स्कोर 1 ओवर की समाप्ति 23 रन, 23। अब सिर्फ जीत के लिए 12 रन चाहिए बी इंडियन को।
इस साल की भिवंडी तालुका की एक नंबर टीम का एक नंबर क्रिकेट हम देख रहे हैं यहाँ पर सुभाष धुमाल जी। नक्कीच नंबर वन वर हा संघ रैंक करते है, तब्बल नौ वेला या संघाने अंतिम फेरीत धडक मारली होती आणि त्यामध्ये सहा वेला हा संघ विनर्सचा तीन वेला रनर्स ठरलेला आहे। एक ओवर की समाप्ती, बहुत अच्छी शुरुआत, 23 रन। आमदार चषक 2018 मध्ये आपणा सर्वांचं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे। व्यासपीठावर विराजमान सर्व सन्माननीय पाहुण्यांचं आपण स्वागत करणार आहोत। भगवानजी पाटील उद्योगपती सरवली यांचं स्वागत करायचंय। नरेशजी म्हात्रे आपल्याला विनंती करतो आपण त्यांचं स्वागत करायचंय। शिवसेना उपविभाग प्रमुख नरेशजी म्हात्रे हे स्वागत करत आहेत उद्योगपती भगवानजी पाटील। यानंतर भिवंडी महानगरपालिका शिक्षक सेनेचे कार्याध्यक्ष यशवंतजी जाधव यांचं सुद्धा स्वागत करायचंय। आमदार चषक 2018 मध्ये आपलं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे, सुस्वागतम। यानंतर भिवंडी महानगरपालिका शिक्षक सेनेचे उपाध्यक्ष प्रदीप जोगी यांचं सुद्धा स्वागत करायचंय। महेंद्र इस बीच गेंद ऑफसाइड के बाहर की गेंद थी, वहां पर कारपेट के सहारे एक रन से आसिफ ने स्ट्राइक को रोटेट किया जावेद के लिए। चौबीस रन अब केवल जीत के लिए, यहां पर 11 रन चाहिए महेंद्र कामनकर। इस बीच गेंद जावेद का बेहतरीन स्ट्रोक, 6 रन और जावेद यहां पर छक्कों के हैट्रिक पूरी करते हुए 500 रुपए सचिन तरे की तरफ से दिए जाएंगे जावेद को। विजयाच्या उंबरठ्यावर पोहोचताना आपण बघतो बेंड एरन संघाला अतिशय उत्कृष्ट फलंदाजी जावेद याच्याकडून हे आपण पाहू शकता रिप्ले मध्ये। सलग तीन चेंडूमध्ये तीन षटकार आतापर्यंत ठोकलेले आहेत जावेद याने। धावसंख्या वाढून होती ती। इस बीच बढ़िया गेंद और यहां पर निशाना चूका हरीश का, डॉट। केवल 5 रन चाहिए धनेश इलेवन कुक से और बालाजी के बीच अगला मुकाबला। इस बीच गेंद केवल पुश किया, दिशा दिया, एक रन से स्ट्राइक अब हासिफ के पास। स्कोर इस वक्त 31। केवल 4 धावन की आवश्यकता है हा सामना जिंकने साठी बेंडियन संघाला। एक तरफी सामना अपन पाहतोय। धुमाल जी ऐसा लग रहा था समायरा के जब बैट्समैन बल्लेबाजी कर रहे थे बहुत जल्दबाजी में बल्लेबाजी की उन्होंने। इस बीच इनका डर थी हवा में स्ट्रोक आसिफ का, एक रन, केवल 3 रन जीत के लिए चाहिए। आमदार चषक 2018 चा उद्घाटन सोहळा हा 29 मार्च ला जेव्हा संपन्न झाला होता तेव्हा सिराज भाई यांचं सुद्धा आगमन झालं होतं आणि आज सुद्धा ते व्यासपीठावर विराजमान आहेत, त्यांचं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे। एक सुप्रसिद्ध रणजी क्रिकेटपटू म्हणून त्यांच्याकडे पाहिलं जातं सिराज भाई। मोस्ट वेलकम एमएलए ट्रॉफी 2018 ऑर्गनायझर बाय महेंद्र समाज कल्याणकारी संस्था। केवल जीत के लिए 2 रन की जरूरत यहां पर इंडियन को। दोन षटकांची समाप्ती, दोन षटकांची समाप्ती नंतर इंडियन संघाने बिनबाधा आपल्या धावपळीवर धाव जगल्या। त्या 33 आणि केवळ 2 धावांची आवश्यकता आहे हा सामना जिंकण्यासाठी। हे आपण मॅच समरी पाहू शकता। धन्यवाद कॉमेंट्री बॉक्स मित्रांनो, स्वागताकडे वळूया। बालारामजी जोशी उद्योगपती या ठिकाणी उपस्थित आहेत, त्यांचं हार्दिक स्वागत आहे। त्यानंतर कार्यकारी सदस्य संतोषजी दिवा आपलं सुद्धा मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे। ओवर टू कॉमेंट्री बॉक्स। थैंक यू। जीत के लिए सिर्फ 2 रन की जरूरत, जयेश को मोर्चे पर लगाया गया, स्ट्राइक पर है जावेद। बहुत बढ़िया गेंद, स्लिप हो गए थोड़ा वहां पर जावेद। अतिशय उत्कृष्ट चेंडू होता, निर्धाव चेंडू समाप्ति। केवल 2 धावांची आवश्यकता आहे हा सामना जिंकण्यासाठी इंडियन संघाला। पाड जड झालेलं आहे ते इंडियन संघाचं, फक्त फॉर्मॅलिटी लेफ राहिलेली आहे आपण पाहू शकता। अतिशय उत्कृष्ट चेंडू होता जयेश।
इस बार तेज किया था एक और डॉट गेंद। आमदार चषक की चर्चा पूरे भिवंडी तालुका में हो रही है सुभाष धुमाल जी, कई दिनों से आमदार चषक का प्री क्वार्टर के मुकाबले अब देखना है पहली टीम बनने जा रही है बी इंडियन क्वार्टर फाइनल में जो प्रवेश करेगी। और यहां पर कुल मिलाकर 120 टीमों को खेलने का मौका दिया गया आमदार रुपेश जी मात्रे जी ने और संजय भाई मात्रे जी ने। चीफ हरीश पाटिल का बहुत ही बिजी शेड्यूल रहा, फिर से बहुत अच्छी गेंद वहां पर एक रन, तो स्कोर अब लेवल हो चुका है, केवल एक रन चाहिए जीत के लिए बी इंडियन। निश्चित केवल एक धावी की आवश्यकता है, स्कोर लेवल है, पहला संघ ठरेला क्वार्टर फाइनल मध्ये प्रवेश करणारा बी इंडियन हा संघ। जयेश इस बीच ओवर पिच गए, लंबा स्ट्रोक, 6 रन, तो इस मैच को जीत लिया है बी इंडियन ने। कॉन्ग्रेचुलेशन हबीब भाई अंसारी, पप्पू अंसारी एंड कॉन्ग्रेचुलेशन कैप्टन यासिर शेख, तो इस मैच के मैन ऑफ द मैच है। उजैर इस मैच के मैन ऑफ द मैच है उजैर, और बेस्ट परफॉर्मेंस यहां पर लखन जिन्होंने अकेले 18 रन बनाए। चक्को के एंट्री के लिए जावेद आपको भी आना है। हुजर मैन ऑफ द मैच कम ऑन द स्टेज एंड लखन इज द बेस्ट परफॉर्मेंस दिस मैच, प्लीज कम ऑन द स्टेज लखन। यस सिराज भाई मैं आपसे विनती करूंगा कि आपके सामने जो सुंदर मोमेंट है वो जो बेस्ट परफॉर्मेंस किया है लखन जी ने उनको आपको ये मैन ऑफ द मैच विजय आपण आले रात का यस लखन हैवी कुरुविला भारतीय संघातील जबरदस्त व्यक्तिमत्व असलेले अष्टपैलू खेळाडू यांच्या शुभ हस्ते आपण बेस्ट परफॉर्मन्स आणि जी ट्रॉफी दिलेली आहे सरवली पाड्याचे शाखा प्रमुख बबनजी पाटील हुजेर प्लीज कम ऑन द स्टेज मैन ऑफ द मैच आणि सिराज भाई रणजी क्रिकेट प्लेयर यांच्या शुभ हस्ते ओम सई एटो किंग यस हैवी कुरुविला यांच्या शुभ हस्ते आपण ती सुंदर मैन ऑफ द मैच ची ट्रॉफी देतोय। सिराज भाई आपणाला विनंती करतोय की आपल्या शुभ हस्ते आपण शिव व्यापारी सेना यांच्या वतीने देण्यात येणारा सुंदर गिफ्ट यानंतर प्रदीप जोगी शिक्षक सेनेचे उपाध्यक्ष त्यांच्या हस्ते आपण होमसाई एंटरप्राइजेस यांच्याकडून देण्यात येणारा दीपक थळे प्रेम थळे आणि अनिल थळे यांच्याकडून देण्यात येणारा सुंदर गिफ्ट आहे। यशवंतजी जाधव यांच्याकडून यांच्या शुभ हस्ते आपण देतोय कैलास खंडू मडवी बिंदास ग्रुप अध्यक्ष सोनाळे यांच्याकडून सुंदर गिफ्ट यानंतर नरेंद्र गुज्जा आपल्याला विनंती करतो आपण हर्ष एंटरप्राइजेस यांच्याकडून देण्यात येणारा सुंदर गिफ्ट आहे यानंतर संतोष जी दिवा सदस्य